सीटेट की तैयारी कैसे करें और सीटेट में बेहतर स्कोर कैसे करें। सीटेट के लिए एनसीईआरटी उसकी जान है। जब से परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो गया है तब से एनसीईआरटी की महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग का मानना है कि सीटेट यूपीटेट की तरह है, बस उसमें शिक्षण आता है इसमें शिक्षण नहीं आता। माने आधा अगर आपने यूपीटेट पढ़ लिया तो आधा सीटेट पढ़ लिया तो सीटेट क्लियर हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। सीटेट और यूपीटेट दोनों अलग अलग हैं, जमीन और आसमान की तरह अलग है। जी हाँ, आपके मन में आ रहा होगा ये सर कैसे ये कह दिया। जी हाँ, अगर आप सीटेट में बेहतर स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपकी बार सीटेट पार हो जाए, 120 से ज़्यादा आए, तो उसके लिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा, सभी बातों को जानना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, अगर हम सिलेबस के आधार पर बात करें, पाठ्यक्रम के आधार पर बात करें कि दोनों सीटेट यूपीटेट से कैसे अलग है। हम पहले लेते हैं हिंदी को। हिंदी में अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में 15 नंबर के शिक्षक और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जबकि अगर यूपीटेट की बात करें तो 2 नंबर के गद्यांश या पद्यांश आते हैं, 2 या 3, और बाकी व्याकरण और साहित्य से प्रश्न होते हैं। तो हुआ ना अलग, अलग अलग हुआ ना, मतलब हिंदी एकदम अलग। दूसरी भाषा की तरफ चलते हैं, भाषा सेकेंड, चाहे इंग्लिश लें चाहे संस्कृत लें, उर्दू लें और वहाँ पर 20 भाषाओं में से कोई एक लें, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया। यहाँ पर भी 15 नंबर में प्रोज या पोट्री, गद्यांश या पद्यांश, और 15 नंबर में पैडागॉजी, या आप कहें तो 15 नंबर में यहाँ पे शिक्षण मिलेगा। और जबकि अगर हम यूपीटेट की बात करें तो उसमें व्याकरण, साहित्य और साथ ही साथ पैसेज 2 नंबर से 3 नंबर के बस। तो अब भाषा में दोनों देख लिया, अब हम बात करते हैं सीडीपी। सीडीपी में यूपीटेट में सीधे सवाल पूछता है, सीधे सवाल पूछता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया, या शैशवावस्था क्या है, या किस इसका काल क्या है, स्टैनले हॉल ने क्या कहा। जबकि सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में सीधा पूछता है, यदि कोई अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है और बच्चे हल्ला करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा, उस दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल आपके सीटेट की परीक्षा में आते हैं। इसमें 15 नंबर के शिक्षण होते हैं और 15 नंबर एक व्यवहारतम शिक्षक का कक्षा कक्ष के अंदर क्या होगा, इस तरह से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें उसके बाद सीटेट में, अगर हम बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में सीटेट की वजह से पूछता है 15 नंबर का शिक्षण और 15 नंबर के एनसीईआरटी, जो कक्षा 3, 4, 5 के आसपास से जुड़े हुए, जो आसपास की किताब आती है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। अगर एक एग्जांपल ले, जैसे पूछा जा सकता है कि शेर कितने देर तक सोता है, हाथी कितने देर तक सोता है, या हाथी एक दिन में कितना खाता है। और अगर हम यूपीटेट की बात करें तो पूछेगा कि वर्षा किसकी वजह से होता है, सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, सबसे बड़ा पठार क्या है, सबसे बड़ी नदी क्या है, बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदी क्या है। जबकि हम जब ईवीएस की बात करते हैं सीटेट में, तो 15 नंबर का शिक्षक और 15 नंबर में सीटेट एनसीईआरटी पूछी जाती है। और अगर हम आगे बात करें कि सीटेट के बाद जो एक सिलेबस में गणित आता है, तो गणित भी दोनों का अलग है। वहाँ भी पूछेगा कि ए अनुपात बी बराबर 3, अनुपात 4 हो तो 3a+4 ए कोष्टक में, अनुपात 5a+2b का मान क्या होगा। और यहाँ पूछा जाएगा अगर कोई बच्चा या किसी बच्चे को आप भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले कौन सी प्रतिक्रिया पढ़ाएंगे। मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो सवाल 15 के शिक्षण है तो अलग, लेकिन जो 15 की गणित भी होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर गुमराह होते हैं, और बहुत सारे, जैसे मैंने देखा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान के लोग भी इस तरह से बच्चों को गुमराह करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप यूपीटेट की कोचिंग कर लीजिए, इसमें 15 नंबर जो शिक्षण है वो बाद में पढ़ा देंगे, सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। तो उनको ये बताइए, समझाइए कि दोनों एकदम अलग अलग हैं, दोनों के प्रश्न पूछने का तरीका भी पूरी तरह से अलग अलग है। और इसका सबसे बड़ा अगर निचोड़ है सिलेक्शन लेने का, सबसे अच्छा स्कोर करने का, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार हल कर लिया जाए। अभी 2011 से अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सभी को हल कर लिया जाए। पिछली बार जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई थी उसके भी सभी पेपर उपलब्ध हैं, उन सभी पेपर के, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न बैंक को एक बार सॉल्व कर लीजिए, एक बार हल कर लीजिए, तो आपको कम से कम एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्रश्न पूछता है, कैसे उत्तर देता है। क्योंकि सीटेट का एक ऐसा प्रश्न जो होता है 4 के 4 में सही लगते हैं, अब उनमें सही विकल्प तक अगर जो पहुंच गया वो आराम से 120 प्लस कर लेगा। क्योंकि अभी की बार सीटेट पर आप सभी साथी मन से पढ़िएगा और ऐसे लोगों से, भ्रामक लोगों से बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सीटेट यूपीटेट में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी नोट्स भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इलेनी बी दुर्गेश के नोट्स जो एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर हल करिएगा, सभी, चाहे मार्केट से कोई भी
प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए उसे हल करने का काम करेगा। दूसरा काम आप करिएगा कि अगर आपके पेपर हल हो जा रहे हैं तो फिर दूसरा काम आपके सामने आता है, सर अब क्या करें, तो अब एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि अगर प्रश्न भी गलत होते हैं तो एनसीईआरटी कोई आधार माना जाता है, अन्य कोई नहीं, फिर एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, वहाँ पर भी जाकर आप ले सकते हैं। टेट सीटेट विद दुर्गेश सर के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर भी जाइए। मतलब हमारी क्लासेज आपको पूरे सिलेबस की निःशुल्क मिल जाएगी। बाकी आप प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर भी घर बैठ के नोट्स चाहें तो यहाँ पे नंबर स्क्रॉल चल रहा होगा, वहाँ से कर सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से आपको निःशुल्क क्लास देने का प्रयास करता हूँ, और हम चाहते हैं अभी की बार सीटेट पर, क्योंकि भर्ती का इंतजार था और हम सभी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से भर्ती है, लेकिन फिर टेट सीटेट देते जा रहे हैं। लेकिन वे अभ्यर्थी जिनका अभी तक सीटेट नहीं हुआ था उनके लिए मौका है, आप इस बार कुछ बड़ा कुछ बेहतर करिए, और भगवान करे कि सभी साथी जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी भर्ती आए और वे भी कल के सरकारी शिक्षक बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आपको समझ में आ गया सीटेट और यूपीटेट की माया, क्योंकि सीटेट यूपीटेट दोनों से कैसे अलग है और कैसे एक लोग बता के पढ़ाते हैं, इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और अपना बेस्ट दीजिएगा। और हाँ, सीटेट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इलेनी विद दुर्गेश पर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सबसे पहले सीटेट में क्या पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू। हाँ, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को ताकि वो भी जान सके कि सीटेट और यूपीटेट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है।